ओपिनियन ऑफ रसिया, यहाँ से स्टार्ट करना था बेटा सेकेंड पैराग्राफ। चलो देखो, ओपिनियन ऑफ रसिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड, अब ये भी पूछ सकता है वो, मतलब आपके ट्वेल्थ में आया है, नीट में आ सकता है। नीट में इस बार एक क्वेश्चन आया था बेटा बार्क, बार्क के बारे में दिया था स्टेटमेंट सही है कि गलत है, लिखा था नॉन टेक्निकल टर्म इज बार्क, दूसरा था टेक्निकली टर्म इज बार्क, तीसरा था बार्क, चौथा एनसीईआरटी में लिखा है नॉन टेक्निकल टर्म इज बार्क, और वो करेक्ट करवाया था। तो बेटा यदि एनसीईआरटी के सिवा कोई साइंटिस्ट का कोई प्लेस दिया है तो साइंटिस्ट आपको नाम है ठीक, प्लेस नाम नहीं याद है ठीक है, या साइंटिस्ट भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। जैसे सैंडविच मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था, रॉबर्टिस ने, लेकिन वो मतलब नहीं है। लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 सिंगर एंड निकोलसन आपको याद होना चाहिए क्योंकि इतना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ गए कि नहीं। देखिएगा, ओपिनियन ऑफ रसिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फर्स्टली इन्होंने लाइफ को क्या फॉर्म किया, लाइफ इवॉल्व इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो बेटा पहला जो इनका लाइफ है क्या ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बताता है, हाँ, लेकिन केमिकली इवॉल्व, क्लियर हो गया। और लाइफ यदि एक बार ओरिजिनेट हो गई तो क्या बेटा फिर नॉन लिविंग से लिविंग बनेगा, नहीं बनेगा, इतना याद रखिएगा। एक बार इवॉल्व होने के बाद फिर लाइफ लाइफ से ही बनेगा। तो थ्योरी अब क्या फर्स्टली जो है वो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को सपोर्ट करती है, यस, लेकिन ऐसे नहीं कि रेज पड़ी मड पे या फिर पसीने से भीगी टी शर्ट वीट के साथ रख दिया तो चूहा बन गया, ये नहीं, पूरे एविडेंसेस। और बेटा ये एवोल्यूशन होने में ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल बनने में आपको पता है 500 मिलियन ईयर लग गया। और एक्चुअल में यदि मैं एक साथ आपको डाटा बताऊं तो आप डाटा देखेंगे तब आपको लगेगा यूनिवर्स। अब यहीं एक बार डाटा लिख लीजिए, बाकी जो आएगा ना एक पेज को एकदम खाली रखिएगा, उसमें केवल हमें डाटा लिखना है कब कौन आया। यदि मैं कह दूं यूनिवर्स की ओरिजिन तो 20 बिलियन ईयर एगो। अब बेटा मैं अर्थ की ओरिजिन कह दूं अर्थ तो 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब लाइफ लाइफ की भी जो ओरिजिन हुई है वो कौन सी लाइफ, नॉन सेलुलर, बिल्कुल याद रखिएगा नॉन सेलुलर। कितना, 4 बिलियन ईयर एगो। कहता है फर्स्ट लाइफ ओरिजिन इन 4 बिलियन ईयर एगो, इसका मतलब लाइफ बना था बेटा सेलुलर और नॉन, वो कैसा था, नॉन सेलुलर, ठीक है। तो बिल्कुल इस टर्म को याद करिएगा, यदि वो कहेगा प्रोकैरियोट, तो बेटा कितना टाइम लग गया लाइफ से प्रोकैरियोट बनने में, 2 बिलियन, 2 बिलियन मतलब समझ रहे हो कितना, 2 अरब वर्ष लगे बेटा। एवोल्यूशन जो होता है बहुत लॉन्ग प्रोसेस, स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद यूकैरियोट 1.5, और जो ये यूकैरियोट्स पहले आए होंगे बेटा ना, ये कौन आया होगा पहले यूकैरियोट में, क्योंकि सबसे सिंपल यूकैरियोट यही होते हैं प्रोटिस्टन, तो सबसे पहले कौन आया होगा बेटा, प्रोटिस्टा। अब इतने हैं आपको एक साथ याद होने चाहिए, क्लियर हो गई बात, चलिए हो गया नोट।
तो ने कहा था फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज बाई केमिकल एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, द कंडीशंस ऑफ अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, अर्थ पर क्या था बताया गया, वॉल्केनिक स्ट्रोम, रिड्यूसिंग एटमोसफियर, सब तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल चल रहा है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या था, ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, ठीक है। और जो गैस मेनली थी वो कौन सी थी, CH4 अमोनिया। इन 1953 में एक और अच्छा काम हुआ था, DNA डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किस पे बेस्ड था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किन, इस पर बेस्ड था बेटा वो उनका। और 1953 में SL मिलर ने, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, तो बताओ ओपेरिन कहाँ के, रसिया के, हाल्डेन कहाँ के, इंग्लैंड के, और मिलर कहाँ के, अमेरिका के। साइंटिस्ट क्रिएटेड द सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी, स्केल इन फिगर एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग, क्या क्या लिए थे बेटा, मीथेन हाइड्रोजन एंड अमोनिया, रेशियो 2:1, याद हो गया, एक बार दिया था मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन 2:1:2। इनके एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया था, सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट, क्लियर हो गया। कितने दिन एक्सपेरिमेंट चला था ये, 18 days, ये सब सारी चीज़ पूछा गया बेटा। एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा क्या मिलर ने यूवी रेस का यूज किया था, नहीं, किसका यूज किया था बेटा, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट, अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर नाइट्रोजिनस बेस पिगमेंट एंड फैट, एनालिसिस ऑफ मेटेराइट कंटेंट आल्सो रिवेलमेंट, ये मटेरियल और भी मिला, कहाँ सेम सिमिलर कहाँ मिला, बाहर स्पेस में। मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, मटेरियल, मटेरियल है तो किससे बना होगा, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, केवल न्यूक्लिक एसिड और आ जाए तो क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। अब देखिएगा ये, द इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एलेस वेयर द स्पेस विच विथ दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंजर्व्ड स्टोरी केमिकल एवोल्यूशन वाज मोर आर लेस एक्सेप्टेड, कह रहे हैं ज़्यादा या कम एक्सेप्टेबल यही था, कौन सा, केमिकल एवोल्यूशन, बाकी जिनने जो कुछ कहा वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं था, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के, लाइफ प्री जितनी लाइफ से आई है ये तो सबसे अच्छी थ्योरी थी, लेकिन लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि लाइफ ओरिजिनेट बताना था कि कैसे हुई, तो उसके लिए सबसे अच्छी, लेस, मोर, जैसी भी है, सबसे सही थ्योरी कौन सी थी बेटा, केमिकल एवोल्यूशन। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेट इन मेटाबोलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ एरोस, कह रहे हैं ये पता नहीं चला कि पहला कौन से बना और वो रेप्लिकेट करके दूसरा कैसे बनाया, ठीक है। लेकिन द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कुड हैव ओरिजिनेट 3 billion years back, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म कब बनाया बेटा, 3 billion, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 billion years back। अब देखो नॉन सेलुलर में देखो कंफ्यूजन होता है ना, अभी आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। प्रोबायोट जो थे वो भी लाइफ का फॉर्म ही तो था, आप देखो स्टार्ट में लिखा है अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर एगो, अब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बेटा यहां जो बने इयोबायोट या फिर ये क्या सेलुलर है कि नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है ना, इनकी लाइफ वही है बेटा
4 बिलियन ईयर एगो, और इसकी लेकिन उसने कहा कि नॉन सेलुलर लाइफ कब आई है, 3 बिलियन ईयर एगो। और जब पहले पेज को आप पढ़ोगे तो कहेंगे कि अर्थ बनने के कितने टाइम बाद, 5 मिलियन ईयर एगो बाद लाइफ आई। तो अर्थ के निकालो बेटा। अब यो वायंट या यहीं पर क्वेश्चन में होता है, यदि उन्होंने ऐसे दे दिया कि नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब हुआ, तो इसका आंसर क्या लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, 4 बिलियन ही लगना चाहिए। यदि उन्होंने क्वेश्चन में कहीं वायरस दे दिया या यूबायंट दे दिया, फिर क्या लगेगा? 3 बिलियन लगेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कहाँ कंफ्यूजन कराते हैं। अब देखो बेटा, पहला ऊपर वाला जो पैराग्राफ पढ़ोगे आप, आ जाइए ऊपर वाले देखिए, अर्थ कब है, वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक, देयर इज द नो एटमॉस्फेयर, ये सब चाहे। उसी के बिल्कुल लास्ट लाइन में आओगे आप बेटा, तो लिखा है लाइफ अपीयर्ड 5 मिलियन ईयर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। या फिर आप कंफ्यूजन ही खत्म कर दो। जहां लिखे ये अर्थ हो गया, यदि लाइफ पूछे, ये लाइफ पूछे तो कितने ईयर बेटा, 4 बिलियन ईयर एगो। लाइफ का मतलब क्या हुआ? लाइफ का मतलब है माइक्रोमोलिक्यूल टाइप के, जैसे न्यूक्लिक एसिड डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया, और दूसरे प्रोबायोटिक डेवलप हो गए। तो ये, लेकिन प्रोबायोटिक को नॉन सेलुलर कहना मुश्किल है क्योंकि अभी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी। अब ये कह दें नॉन सेलुलर लाइफ, तो बेटा इन्हीं के अकॉर्डिंग लगाओ। लाइफ कहें तो, नॉन सेलुलर लाइफ कहें तो, प्रोकैरियोट कहें तो, यूकैरियोट कहें तो, यूकैरियोट में भी सबसे पहले ओरिजिन किसकी हुई होगी। क्लियर हो गई बात? चलो, बहुत अच्छा चैप्टर है, रिलेट करके बस पढ़ोगे आप ना, लगेगा एकदम कहानी की तरह दिमाग में बैठता जा रहा है। तो कह रहे हैं द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, दे वुड हैव बीन गैंट मॉलिक्यूल। अच्छा, लाइफ में इन्होंने क्या बताया, गैंट मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, द कैप्सूल रिप्रोड्यूस द मॉलिक्यूलर परहैप्स। अच्छा, जब इतने बन गए होंगे 3 बिलियन और ये रेप्लीकेट कर रहे हैं कंडीशन में और गैंट मॉलिक्यूल हैं, तो क्या ये वायरसेस होंगे क्या? हाँ, 3 बिलियन ईयर एगो कौन बना था, वायरस। अब जाके वापस देखेंगे तो आपको दिखाई दिया होगा जो आपने पढ़ा है, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस टू देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म इज लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 20,000 मिलियन ईयर एगो। 2000 मिलियन ईयर एगो का मतलब कितना हो गया बेटा, 2 बिलियन। इसको मैं लिख सकता हूं 20,000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, एक लड़का पढ़ा सर 2000 माया, मैंने सबका 2000 माया ये क्या है, तो पूछा कि क्या लाइफ है, हमने कहा यार माया नहीं है वो, ये मिलियन ईयर एगो है, ये बाया नहीं है, बिलियन ईयर एगो है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे देखिएगा, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस बाय द मॉलिक्यूलर परहैप्स। ठीक है, तो कब हुआ बेटा, कहेगा फर्स्ट सेलुलर लाइफ, तो सेलुलर लाइफ में क्या आया होगा, प्रोकैरियोट। फर्स्ट सेलुलर लाइफ कौन सा, क्योंकि प्रोकैरियोट में बेटा केवल एक सेल है, अंदर कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है। मैंने बताया था प्रोकैरियोट की कोई एक फैगोसिटिक सेल होगी, वो दूसरी प्रोकैरियोट को खाई होगी, तो अंदर वाली सेल बोलेगी अरे यार मैं तुम्हारे लिए एनर्जी बनाऊंगा, मुझको तुम डाइजेस्ट मत करो,
तो किस में चेंज हो गया होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब प्रोकैरियोट चेंज हो गई यूकैरियोट में। दूसरे सेल को खाई होगी, उसने कहा कह रहे यार तुम क्यों डाइजेस्ट कर रहे हो, बोले मुझे एनर्जी चाहिए, बोले मैं तुमको एनर्जी डायरेक्ट देती हूँ ना, वो किस में चेंज हो गई होगी, क्लोरोप्लास्ट में। और वो सेल कौन सी हो गई होगी, प्लांट सेल। क्लियर हो गया यूकैरियोट का ओरिजिन। चलो देखो, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिकुलर पर हैव द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म यू लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो। दीज आर प्रोबेबली सिंगल सेल आर लाइफ फॉर्म वेयर इन द वाटर इन्वायरमेंट ओनली। ये आपको क्लियर है, वाटर में लाइफ फॉर्म हुई थी। कहा भी था हॉल्डन ने, क्या कहा था, पूरे समुद्र को हॉट डाइल्यूट सूप। तो लाइफ जो ओरिजिनेट पहली की होगी या जो सेलर लाइफ पहली बनी होगी बेटा, वो ऑटोट्रॉफ होगी कि हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ क्यों, तुम्हारे तुम घर में गए, सब भोजन बन के रखा हुआ है, तुम्हें गैस जलाने की जरूरत है, केवल खाना है, ठीक है। अब जब खाने की कमी होने लगेगी तो पहले काम करोगे कि भाई अल्टरनेटिव ले लिया जाए, लेकिन खुद से ना बनाना पड़े, तो अल्टरनेटिव ले लिए तो कौन आ गए बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेटरोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ भी केमिकल का यूज करते हैं। कीमो हेटरोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ तो एक ही है, दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। उसके बाद आया होगा कीमो ऑटोट्रॉफ कि बेटा सनलाइट की जरूरत नहीं, केमिकल ही है अभी, फिर पता लगा केमिकल खत्म हो गया। अब कौन आए होंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉफ आने के बाद यह भी किसमें चल रहा है, प्रोकैरियोट में। तो पहले प्लांट सेल बनी होगी कि एनिमल सेल, प्लांट सेल। यदि प्रोकैरियोट की बात करें तो हेटरोट्रॉफ पहले बने हैं, और यूकैरियोट की बात करें तो ऑटोट्रॉफ फर्स्ट। यदि कहे कि लाइफ ओरिजिनेट इन ड्यूरिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट है ये, तुम्हारे समझ में बिल्कुल क्लियर आ गया तो कोई डाउट ही नहीं होगा। कह दे फर्स्ट लाइफ ऑफ या फर्स्ट डेवलप्ड प्रोकैरियोट इन ओरिजिन ऑफ लाइफ तो ऑटोट्रॉफ की हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, दूसरा फर्स्ट डेवलप यूकैरियोट ऑटोट्रॉफ भी होंगे, और हेटरोट्रॉफ भी हैं। और ये हेटरोट्रॉफ पता है कैसे हैं, कैसे हैं, एनिमल सेल नहीं है, क्योंकि बेटे ये भी तो सड़ेंगे गलेंगे, ये भी तो सड़ेगा गलेगा, इनको भी डाइजेस्ट करने के लिए कोई चाहिए, तो ये कौन से हैं बेटा, सेप्रोफाइट्स, एवोल्यूशन के आधार पे। और लास्ट यूकैरियोटिक सेल जो डेवलप हुई होगी वो कौन सी होगी, एनिमल सेल। अब देखो तुम, बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो गया, प्रोटिस्टा का हो गया, फंजाई का हो गया, प्लांट सेल का हो गया, बचा कौन, एनिमल सेल। तो लास्ट डेवलप्ड यूकैरियोट इज कौन सा है बेटा, कौन सा है, एनिमल सेल।
अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाता हूँ तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे डेवलप होता है। और यदि आप डेवलपमेंट बेटा नहीं पढ़े हो तो देख लो, यहाँ मैं डेवलपमेंट बताता हूँ। सबसे पहले कौन डेवलप हुए हुए होंगे बेटा? मोनेरन्स। मोनेरा से किसका डेवलप हुआ होगा? प्रोटिस्टा का। ये कैसा है बेटा? प्रोकैरियोट। सिंगल सेल या मल्टी सेलर? इसको क्या कहते हैं? जहां नीट वाला सबसे ज्यादा गलती करवाता है। हमारे दिमाग में ये रहता है, देखो मैं सही बता दूं, तुमने मोनेरा का नाम सुना, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बैक्टीरिया। लेकिन मोनेरा में केवल बैक्टीरिया नहीं है बेटा, साइनोबैक्टीरिया भी हैं। तो ये क्या है बेटा? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मैं विटेकर क्लासिफिकेशन को बता रहा हूँ क्योंकि बैक्टीरिया को आगे जो सिक्स किंगडम सिस्टम उसमें दो भाग में बांटा गया है, आर्किया एंड यू। तो आर्किया में कौन सी आती है? आर्की बैक्टीरिया। और यू में आती है बैक्टीरिया। अब जो साइनोबैक्टीरिया ब्लीजिए है, इसी को कहते हैं हम बीजीए। बीजीए यानी अरे उसमें जब नाश्ता का रहना बहना का तुम फिगर देखोगे तो तुमको ऐसे दिखाई देगा। और यहाँ पे ऐसे एक सेल डार्क सी बनेगी जिसका नाम लिखोगे हेट्रोसिस्ट, जो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। 11th वाली बुक में जाके देखना, सेकेंड चैप्टर में। तो मल्टी सेलर का मतलब सेल नहीं बेटा, एक कैसी है? फिलामेंटस। अब हमेशा अपने दिमाग में ये मत रखना कि मोनेरन इज ऑलवेज यूनिसेलर। नहीं, मल्टी एक से ज्यादा सेल भी हैं, ठीक है। अब मोनेरा से किसका डेवलप हुआ बेटा? प्रोटिस्टा का। इस प्रोटिस्टा में कौन डेवलप हुआ होगा बेटा? फंजाई। क्योंकि प्रोटिस्टा में आपने स्लाइम मोल्ड पढ़ा होगा जिसका नेचर फंगस की तरह होगा, तो मोनेरन, मोनेरन के बाद बेटा प्रोटिस्टा डेवलप हुआ, फंजाई। क्योंकि जो मर रहे हैं उनको खत्म भी तो करना है। इसके बाद और सबसे लास्ट में बोले सर प्रोटिस्टा में कौन सा है जो एनिमल की तरह मोड रखता है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, ये सब कैसे रखते हैं? एनिमल लाइक कैरेक्टर रखते हैं। क्लियर हो गया एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग? अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा बेटा कि मोनेरन इज ऑलवेज अ यूनिसेलर। मोनेरा इज आल्सो अ मल्टी सेलर या फिलामेंटस। क्लियर हो गया इतनी बात? नोट करो फटाफट, ये इंपॉर्टेंट बात है। हो गया। अब देखिएगा, लाइफ कब ओरिजिनेट हुई बेटा? जो सेलुलर फॉर्म भी थी वो 2 बिलियन ईयर एगो। तो 2 बिलियन ईयर एगो कौन डेवलप हुआ होगा? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट। फर्स्ट यूकैरियोट इज अ प्रोटिस्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक। एंड दिस वेरिएशन ऑफ बायोजेनेसिस इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज स्लोली। लाइफ पहले कहाँ डेवलप हुई है? अर्थ पे या फिर वाटर में? पहले फर्स्ट लाइफ कहाँ कम्स हुई है? ना वाटर। ठीक। इवोल्यूशनरी फोर्सेस फॉर्म नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इन द एक्सेप्टेड बाई मेजोरिटी। हाउएवर वन फॉर्म्ड कह रहे हैं हमेशा नहीं होगा कि हमेशा बनते ही जाएं। नॉन सेलुलर से सेलुलर या फिर नॉन लिविंग से लिविंग, एक बार हो गया बेटा। अब जितनी लाइफ फॉर्म होगी वो कैसी होगी? फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है। हाउ एवर द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव टू
कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टूडे, दिस इज द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी डिस्कस बिलो। अब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है, इसके एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन क्या है। अच्छा, ओरिजिन ऑफ हेटरोट्रॉप में सबसे पहले हम किसको करेंगे बेटा, हेटरोट्रॉप्स, कीमोहेटरोट्रॉप, कीमोऑटोट्रॉप, देन ऑटोट्रॉप, देन ऑटोट्रॉप। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में क्या क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं, इस पे बात करते हैं हम, ठीक है। चलो, तो अब कहेंगे कि सर इसको छोड़ देंगे क्या, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थियोरी, नहीं, ये बायोजेनेसिस थियोरी है, ये भी आ जाएगी अभी एविडेंस में, लेकिन जो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा, वो बायोजेनेसिस थियोरी से स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले यदि एविडेंस कोई है तो बेटा पता है क्या है, फॉसिल। कहते हैं कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे हम बता सकते हैं कि ये एंसेस्टर रहा होगा। जैसे बता दिया ना कॉमन एंसेस्टर की, ऐप और मैन के एंसेस्टर क्या थे, कॉमन। तो किस आधार पे बताए, आधार पे बताया बेटा उसका था वेस्टिजियल आर्गन और एनालॉगस आर्गन। एनालॉगस का मतलब क्या था, एनाटॉमिकली ना फंक्शनली सेम। तो बता, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड होता है वो किस पे होता है, एनालॉगस एंड वेस्टिजियल आर्गन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक लाइन इसको लिख लो, एवोल्यूशन आर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन एनालॉगस एंड वेस्टिजियल आर्गन। अच्छा, कुछ वेस्टिजियल आर्गन बताओ ह्यूमन में, नहीं याद आ रहा, चलो बॉडी ऊपर से शुरू करते हैं, लिखो सम वेस्टिजियल आर्गन इन ह्यूमन। अब बेटा यदि यहाँ ऊपर से हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आँख मिलेगा, आँख के कोने में तुम्हें दिखता होगा मेम्ब्रेन टाइप की, लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन फ्रॉग में देखोगे, फिश में देखोगे तो सब में कंप्लीट है, तो इसका मतलब उनका डेवलपमेंट पहले हुआ है, उनसे कहीं ना कहीं हम डेवलप हुए हैं। तो क्या आ गया बेटा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। तो पहला क्या लिखोगे, देखो तुम एकदम मैं ऐसे बताऊँगा कि बिल्कुल ऐसे चलते हुए चले जाओगे, बॉडी में एक एक चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या क्या मिल गया तुम्हें, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अच्छा, आँख के पीछे जाओ बेटा, क्या मिला आपको, कान मिल गया। गाय भैंस को देखते हो कान हिलाते हैं, मैक्सिमम जानवर कान हिलाते हैं, ह्यूमन नहीं हिला पाता है। तो क्या है बेटा वो, क्योंकि तुम्हारे पास हाथ डेवलप है, मक्खी बैठी उड़ा दिए, उनके मुंह के पास मक्खी बैठी तो पीछे पूंछ से उड़ा दिए और आगे कान से, ठीक है। तो क्या वेस्टिजियल आर्गन है बेटा, ईयर मसल। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा यहाँ पहुँचे, मुंह पहुँचा, मुंह में दांत, दांत में लास्ट वाला जो मोलर है वो भी क्या है, वेस्टिजियल। वो जल्दी ख़राब होता है, सबसे लेट आता है, सबसे पहले जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, थर्ड मोलर आर विजडम टीथ। कितने वेस्टिजियल आर्गन हो गए, तीन। चलो इसके बाद क्या है बेटा, बॉडी हेयर। हमारा बॉडी हेयर भी हमारा वेस्टिजियल आर्गन है, कोई इसका यूज़ नहीं है बॉडी, मैंने एक बार भी हेड हेयर नहीं कहा, इसका यूज़ है, कुशन देती है ये बेटा। एक खोपड़ी में बाल ना हो तो हर तीसरे दिन खोपड़ी खुली रहती है, कहीं बहुत बचाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है बेटा, बॉडी हेयर।
पॉइंटेड केनाइन, अच्छा कभी कभी देखते हो कि बहुत ठंडा लगता है, तुम्हारे हेयर कैसे होते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो कहते हैं एरेक्टर पिलाई होती है बेटा, जो ग्लूज फ्लैश करती है, ज़रूरत नहीं है इसको लिखने का। नीचे आ जाओ, नीचे आ गए बेटा मेमोरी ग्लैंड, ये मेल में कैसे होते हैं, वेस्टिजियल, लिख लो मेमोरी ग्लैंड वेस्टिजियल इन ह्यूमन मेल। और बचपन से एक वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ते आ रहे होगे यूनिवर्सल, कौन सा, अपेंडिक्स, उसको लिख लो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अच्छा ये जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है किस पे बेस्ड है, एनालॉगस और वेस्टिजियल ऑर्गन पे। अब चलो अब पढ़ते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में यदि मैं बात करूं तो पहला एवोल्यूशन क्या है बेटा, पहला एविडेंस क्या है, फॉसिल। क्या है पहला एवोल्यूशन, एविडेंस मतलब प्रूफ, प्रूफ पहला क्या है, फॉसिल है। दूसरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आप दो पढ़ते हो बेटा, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। तीसरा, तीसरा पता है क्या आता है, क्या एवोल्यूशन में क्या आ सकता है, बायोजेनेटिक लॉ पढ़ा है कभी, या एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा है, तो बेटा एम्ब्रियोलॉजी आता है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब अभी मैं बताऊंगा, जो नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, एम्ब्रियोलॉजी। फोर्थ एम्ब्रियोलॉजी भाई बेटे बायोकेमिकली कैसे बने होते हैं, कहते हैं बायोकेमिकल एवोल्यूशन, तो बायोकेमिकली कैसे हैं, कैसे इनके कंपोजिशंस हैं, ठीक है, अंदर कैसे बॉडी बनी है बायोकेमिकल। और एक होता है बायोजियोग्राफिकल, तो बायोकेमिकल मतलब कैसे बने, अगला बायो जियोग्राफिकल। अब बायो जियोग्राफिकल का मतलब क्या है बेटा, एक जगह की जियोग्राफी अलग है, दूसरे जगह की जियोग्राफी अलग है, उस जियोग्राफी के आधार पे जो एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफिकल। तो पहला हम बात करते हैं बेटा फॉसिल की, और बस आज इतना ही।